क्योंकि भैया बम्पर ऐसी जगह है ना जहाँ पर आता जाता है रिक्शे वाला गाड़ी वाला भाई हर कोई बिठा के जाता है। अब यहाँ क्यों जा रहे हैं, चलो पहले चलते हैं फिर बताता हूँ। तो कुछ आपके डाउट्स उनके साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि यार करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए और कॉस्टिंग क्या बैठती है। ऐसा लगता है ना आज के लोगों का दुनिया में कंपटीशन होगा ना, एक पोजीशन तो मेरी जरूर आएगी, पक्का आएगी। इतनी नींद नहीं, और ऐसा नहीं, ये वाली फीलिंग रोज आती है भाई, स्पेशली मंडे को आती है। संडे के बाद तो ऐसा लगता है भगवान काश तू तो दो संडे बनाया होता तूने। पता नहीं भाई, मेरे साथ ही गड़बड़ है, सबके साथ ही ये रहती है। बट सबसे पहले यार आप सभी को थैंक यू जो आपने मेरी लास्ट सीरीज जो स्नो वाली सीरीज थी उस पर इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच दिल से। और आज ये लगा लो उस स्नो वाली सीरीज के एक तरह से लास्ट चैप्टर ही है। लास्ट चैप्टर इन द सेंस वैसे तो खत्म हो चुकी थी, बट क्या था कि वहां पे जो यार अपनी एक्सयूवी का एक्सीडेंट हो गया था तो यहाँ आगे उसके बम्पर और लाइट चेंज हुई थी। क्योंकि यार इतने दिन से मैं इसलिए ट्रिप पे भी नहीं गया था क्योंकि यार आगे के बम्पर का ना पीपीएफ वगैरह नहीं हुआ था, और मेरे को यार बिना पीपीएफ के ना थोड़ा सा एक टेंशन रहता दिमाग में। क्योंकि भैया बम्पर ऐसी जगह है ना जहाँ पर आता जाता है रिक्शे वाला गाड़ी वाला भाई हर कोई बिठा के जाता है, तो इसलिए मैं वेट ही कर रहा था कि गाड़ी का जब ये बम्पर का पेंट वगैरह जब पूरा सूख सक जाएगा तो इसको एक बार बफिंग वगैरह करा के तो इसकी पीपीएफ जरूर करवानी है। तो आज अपन ने यार वहीं जाना है, इसकी पीपीएफ वगैरह करवाने, फिर उसके बाद चलेंगे भाई कहीं तूफानी करने। एक तो भैया मेरे को इस टायर ने खा लिया, हालांकि कई दिनों बाद मैंने गाड़ी निकाली है भाई, लेकिन इस टायर पे इतने कम से कम 6-7 पंचर तो लग चुके होंगे भाई। कमजोर ये है टायर, ये टायर तो ना कहीं बीच में धोखा दे जाएगा मेरे को लग रहा है, हमेशा ही साला इसका कुछ ना कुछ लोचा रहता है। नहीं वाकई में मैंने यार लगभग 10 दिन के बाद ही मैंने एक्सयूवी निकाली, क्योंकि लास्ट जब बम्पर पेंट हुआ था दैट सीट आगे खड़ी की थी, उसके बाद मैंने निकाली ही नहीं है। अपनी होंडा सिटी जिंदाबाद। तो भैया इसी के साथ हम पहुंच गए महिंद्रा, एक बार फिर से हमारा स्वागत है। फिलहाल वॉशिंग के लिए अपनी गाड़ी खड़ी हो गई है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, प्रोफेशनल डिटेलर्स। अब यहाँ क्यों जा रहे हैं, चलो पहले चलते हैं फिर बताता हूँ। तो सीन अभी ऐसा है यार कि मैंने महिंद्रा तो आज आ नहीं था कि गाड़ी को, क्योंकि इसके बम्पर को पेंट हुए ना लगभग 10-11 दिन हो गए थे, तो इसके बम्पर की ना वो जो बफिंग और पॉलिशिंग वगैरह वो होनी पेंडिंग थी, और साथ के साथ उसके बाद मेरे को पीपीएफ कराने जाना ही था। हाँ भैया पहले तुम बजा लो। तो सीन क्या था, ये पीछे अब ये महिंद्रा है और इसके साथ में ना ये डिटेलिंग स्टूडियो एक और खुला हुआ था, तो मेरे को था यार एक बार देख के आते हैं, पता करके आते हैं कि क्या सीन है यहाँ का, कि अगर बिल्कुल अगल बगल में ही है, बिल्कुल अगर साथ साथ हो जाता है दोनों चीजें तो यार क्या दिक्कत है। क्योंकि मेरे को पीपीएफ तो करवानी थी, उसके बाद पीपीएफ के लिए अगर डिटेलिंग लेवल जाता है यार वो मेरे घर से ना काफी दूर पड़ता है, तो मेरे को स्पेशली एक बम्पर के लिए वहां जाना पड़ता, तो मेरे को था यार मैं आसपास ही है, महिंद्रा और ये दोनों आसपास ही है, यहां पता करके आते हैं, अगर कॉस्ट इफेक्टिव रहा सही रहा तो हम यहाँ करवा लेंगे। तो यहाँ के जब मैंने पता किया तब जाके मुझे पता चला कि इनका जो एप्लीकेशन ये यूज करते हैं बेसिकली पीपीएफ, ये गरवारे की यूज करते हैं। तो कुछ एक ब्रांड ऐसे हैं जैसे आपने सुने होंगे गरवारे हो गया, एजिस, लुमार, ये जो है या प्रीमियम ब्रांड्स हैं। तो मेरे को था यार कि ये छोटी चीज के लिए मैं इतनी दूर वहां जाऊंगा, चलो ठीक है फिर मैं, ये एक ट्राई हो जाती है नई चीज यार, क्योंकि मेरे को अभी तक जो अभी पीपीएफ मैंने करवाई हुई है इसकी डिटेलिंग लेवल से, हालांकि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ब्रांडेड वाली चीज फील लेके देखते हैं कि उसमें कुछ अलग आता है सीन या नहीं, जो भी होता है देखते हैं। तो मैंने फिर इनके साथ डन कर दिया कि एक बार चलो आप करके देखो फिर बताते हैं क्या सीन है। लो भाई नंबर प्लेट उतर गई है, अब इसका लगाने का प्रोसेस चलेगा। फिलहाल अपनी गाड़ी का यह काम शुरू होने वाला है, बस होने ही वाला है, बाकी देखो कितना टाइम लगता है, शायद शाम तक अपने को मिल जाएगी। यहाँ पर ना मेरे को ये नेपोली ब्लैक वाली एक्सयूवी दिख गई थी, तो इसका भी मेरे ख्याल से पीपीएफ का ही काम चल रहा है, बाकी देखते हैं अगर मौका लगा एक कंपैरिजन वाली वीडियो भी बना देंगे इस वाली नेपोली ब्लैक की और अपनी वाली पुरानी वाली एक्सयूवी की भी। Stopping now.
skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try. तो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी और ये पूरा जो है पीपीएफ से कवर्ड हो चुका है, बढ़िया प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब देखो, अब वैसे आपको इसमें तो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली यार, पीपीएफ होने का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बट यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखेगा। अब जैसे ये देखो, ये है, अभी ये कटिंग नहीं हुई है, कटिंग अभी एक दो दिन बाद होगी, क्योंकि यहाँ पर ना जब अभी कटिंग करेंगे तो ये खिंच जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से बबल आने के चांसेस रहते हैं। और ये वाला यहाँ पर जो अपनी लाइट टूटी थी, ये वाली तो फर्स्ट क्लास है भाई। अपनी गाड़ी अगले एडवेंचर के लिए फिलहाल रेडी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल हम सुबह आए थे और शाम हो गई है, तो 4-5 घंटे के अंदर अंदर जो है अपनी गाड़ी का पीपीएफ हो गया इस बंपर का। तो चलो भाई, अपनी गाड़ी होगी रेडी, बट छूटते ही मुझे पता है आपका पहला क्वेश्चन होगा, भाई पैसे कितने लगे? तो मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। और मैक्सिमम लोगों की देखो ये भी कंफ्यूजन रहती है कि भाई पीपीएफ करवाऊं कि ना करवाऊं, क्योंकि यार इतना महंगा सौदा है। अब सारी जो बात है ना, अब मैं आपको जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं उनसे ही आपको बात कराता हूँ, तो कुछ आपके डाउट्स उनके साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि यार करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए और कॉस्टिंग क्या बैठती है। सो हेलो मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मेरी गाड़ी पीपीएफ के साथ रेडी कर दी है अगले एडवेंचर के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताओ मेरे दोस्तों को कि हमने इसमें कौन सी पीपीएफ करी है? हमने इसमें गरवारे की एप्लीकेशन, गरवारे ही करी है, ठीक है। और इसमें भी कोई वैरायटी वगैरह आती है? सर हमने इसमें गरवारे 8 इयर्स वारंटी पीपीएफ यूज की है। 8 इयर्स वारंटी यूज की है। वारंटी का क्या मतलब, वारंटी में क्या रहता है? अच्छा, मतलब इसकी शाइन डल पड़ती है या कोई क्रैक आता है या कुछ ऐसी दिक्कत आती है? रिप्लेस हो जाएगी ना फ्री ऑफ कॉस्ट? बस ठीक है, सॉर्टेड है। और चलो ये बताओ, मान लो किसी मेरे भाई ने पूरी एक्सयूवी करानी है तो फिर क्या चार्जेस रहते हैं? 90,000, ठीक है। अच्छा वैसे चलो मैं एक जनरली पूछ रहा हूँ, मेरी पहली वाली पीपीएफ ही जब मेरी ये बम्पर खुला था तब भी उन्होंने चेक किया था, पीपीएफ मेरी अच्छी क्वालिटी की थी, ठीक है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो पहली वाली पीपीएफ और इसमें कुछ फर्क था मेरा? पहले वाली की थिकनेस सर 170 माइक्रोन थी, पहले वाली की एप्लीकेशन की है वो 200 माइक्रोन। अब 200 माइक्रोन ना भाई साहब, हम हर जगह कुदा देंगे इसका, अब नहीं सोचने की जरूरत, नहीं सोचे ना, बस ठीक है। कि मान लो अब किसी भाई ने, जैसे मैंने करवाया है कि बम्पर करवाया आगे का पीछे का, तो किसी ने सिर्फ बम्पर अगर पीपीएफ करवाना है तो क्या खर्चा बैठता है? 25,000 बैठता है आगे पीछे का, बस वही लगा लो अपना, उससे आधा लगा एक बम्पर था क्योंकि अपना। अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन, मैं ये बताओ मेरे को कि अब जैसे कई लोग, जैसे अब ये भी अंदर देखो ये पीपीएफ हो रही है स्कॉर्पियो में भी, अब कितनी जनता पीपीएफ करा रही है, अब कुछ तो बेनिफिट होगा पीपीएफ का। अब कोटिंग भी आजकल मार्केट में ग्राफीन कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, इतनी सारी कोटिंग है, तो क्या एडवांटेज है पीपीएफ लोग क्यों कराते? चलो मैं तो अपनी वीडियो में बताता हूँ यार, पीपीएफ के कई एडवांटेज है। अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वाकई में एज ए डिटेलर कि क्या एडवांटेज रहते हैं। सबसे पहले सर आपकी गाड़ी पे ग्लॉस रहेगा, माइनस स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करेगा, आपको 8 इयर्स की ऑनलाइन वारंटी मिलेगी सर, इसमें यूवी रेस से प्रोटेक्टेड है सर आपकी गाड़ी, ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। बेसिकली सर पीपीएफ में आपको माइनस स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसी गाड़ी धूप में जाएगी इस पे जो सॉइल मार्क्स और माइनस स्क्रैचेस होंगे वो सेल्फ हील हो जाएंगे, और सेरेमिक और ग्राफिन में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ शाइन रहती है, सिर्फ शाइन रहती है आपकी गाड़ी पे, हाइड्रोफोबिक रहता है आपकी गाड़ी, ठीक है, पर माइनस स्क्रैचेस नहीं होते। मतलब मोटा मोटा जो अगर हम सिरेमिक और ग्रेफीन कोटिंग करते हैं उसमें सिर्फ शाइन रहती है, पीपीएफ में शाइन और प्रोटेक्शन दोनों रहती है गाड़ी की, राइट। बाकी देखो यार, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, मैं तो वो चीज जेन्युइनली आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे फील होती है, ठीक है। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ भाई, आपको पता है कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे गाड़ी लेके जाता हूँ, तो यार पीपीएफ से एक प्रोटेक्शन रहती है। हाँ उस चीज में कोई प्रोटेक्शन नहीं, जैसे मेरे साथ हुआ कि यार कोई सामने से गाड़ी आके इतनी जोर से बजे कि यार बम्पर ही टूट जाए या लाइट ही टूट जाए, फिर तो ऑब्वियसली कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन कई बार होता है सिटीज में चलते चलते ना कोई साथ वाला रिक्शा बज गया, गाड़ी बज गई, तो उस केस में जो स्क्रैचेस आते हैं ना यार, उस चीज में बहुत प्रोटेक्शन रहती है पीपीएफ की। या आप कोई ऐसी ऑफ रोडिंग कर रहे हो, जंगल वाले इलाके में जा रहे हो, झाड़ियां हैं आसपास, तो वहां पर यार आपकी गाड़ी सेफ रहती है। बाकी खैर अभी तक जो मैंने पीपीएफ लगवाई हुई है मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, ये तो बस मेरा एक था कि चलो एक ना ब्रांडेड हम यूज करके देते, गरवारे अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है, तो मेरा था कि यार एक गरवारे यूज करके देखते हैं, बाकी आने वाले जो ट्रिप्स हैं उस पे पता लग ही जाएगा यार कि क्या परफॉर्मेंस है इस पीपीएफ की। तो भैया अपनी राम प्यारी को लेके हम निकल पड़े वापस घर, बेबी ना भर भर के डफ लिया हमने इसी खुशी में कि गाड़ी अपने सही हो गई है, मेरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया, ज्यादा ही खुशी है ना, इतनी खुशी मेरे को नहीं है नहीं नहीं ये काम मत करना प्लीज। हम ना गए इस हिसाब से थे कि कहीं ना डिनर करके आएंगे और ना वहां बैठ के ना आराम से डिस्कशन करेंगे कि
अगला ट्रिप अपने कहाँ प्लान करना है। बट यहाँ पर भाई पहुंच के इतनी ज्यादा भूख लगी थी ना, भाड़ में की डिस्कशन, पहले पेट भरो खा लो भाई उसके बाद दिखी जाएगी, कोई डिस्कशन नहीं है ना डिस्कशन। माइलो की हड्डी पैक करा गया, देखो यार कहीं बाहर जाते ना जहाँ मौका मिले, अब माइलो के लिए और तो कुछ नहीं, ये जो हड्डी थी बस वो ले ली हमने, जाके उसको भी ट्रीट देंगे ना। बाकी अभी यार दो तीन ऑप्शन मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं कि कहाँ जाया जाए। मेन चक्कर पता है क्या है, अब मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मी भी आने वाली है, मतलब शुरू हो ही गई है लगभग, क्योंकि हिमाचल में तो यार बर्फ बुरफ में अपन जाए थे। अब है कि अगर प्लेन्स में जाना है तो यही टाइम है प्लेन्स में जाने का। माइलो माइलो हम आ गए, शक्ल से लग रहा है पूरी नींद कर रखी है तूने अपनी। आ जा इधर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ मैं, तेरे को नहीं भूलते हम, रुक जा अभी खोल के देता हूँ। अबे एक सेकंड नीचे तो बैठ, ओ चचा रुक जा। हाँ इसके लिए तो तू बेटे तू कुछ भी कर देगा, सही स्टोरी बनी है ग्रीडी डॉग। क्योंकि इनको तो कुछ भी दे दो लेकिन फेवरेट भाई साहब जो इनकी है ना वो तो हड्डी है। बाकी एंड ऑफ डे बात इतनी है कि पीपीएफ अब आपको पता ही है क्यों जरूरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि यार यही ब्रांड अच्छा दे रहा है, कई सारे ब्रांड है यार बहुत अच्छे अच्छे पीपीएफ कर रहे हैं। बट मेन बात क्या है कि डीलर आप वो चूज करो यार जो एक ऑथेंटिक एक ब्रांडेड अच्छी पीपीएफ यूज करता है, क्योंकि मार्केट में यार ढूंढने पे जाओ हर टाइप के गंदे से गंदे डीलर भी मिलेंगे भाई, अच्छे से अच्छे डीलर भी मिलेंगे। तो जो आपके बजट को सूट करते हैं और जिस क्वालिटी का पीपीएफ चाहते हैं वो क्वालिटी अगर आपको सूट करती है भाई वहीं करवाओ। बाकी बस मोस्ट प्रॉब्ली एक दो दिन में अपन निकल जाएंगे, और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हम निकल चुके होंगे। अब कहां जाते हैं वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा, और मैं तो यही बोलूंगा उन वीडियोस को भी आप ऐसे ही प्यार देते रहना। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट लाइक और चैनल में तो डू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मैं बाय बाय करते जय हिंद, गुड नाइट।